उसमें हम एडिशन कर सकते हैं हम चेंज कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो सेंटेंस हैं फ्रेजेज हैं उनमें थोड़ा सा मामूली सा चेंज करके इजाफा करके हम उसको और उसको एक नई सिचुएशन दे सकते हैं नई है उसकी तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस अंडरस्टैंड सेंटेंसेस एंड गिव देम न्यू मीनिंग्स बाय आल्ट्रेशन सम माइनर चेंजेस आर एडिंग सम फ्रेजिज दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिवटी और क्रिएटिविटी uh, में यानी ये कि आप किसी चीज़ को बिल्कुल नए अंदाज से नए अंदाज से नएपन से आप करें उसको द ही ड्रीम्ड पिजन टूट ग्राफ्स एंड क्रॉस्ड आए एलिफेंट्स डांसिंग इन पिंक स्कर्ट्स आप देखें ये एक बिल्कुल ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसको आप एक शायद नॉर्मल अंदाज में आप उनको ना सुना होगा लेकिन डिफरेंट वर्ड्स को आप उसको यूज़ करते हुए आप उनको कर सकते हैं और याद रखें जब चूंकि सेंटेंसेस uh, के अपर बाउंड में कोई उसमें साइंस साइज में कोई uh, पाबंदी नहीं है कोई उसमें सेंटेंसेस के जैसे दिस इज़ द हाउस बिल्ट जैक बिल्ट दिस इज़ द माल्ट दैट ले इन दाउस दैट जा जैक बिल्ट या अगर हम इस तरह और भी एग्ज़ाम्पल लिखें कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर फिर इसमें हम ऐड करके द कोल्ड वाटर गिव मी प्लेयर या आ, इस तरह और मतलब हम सेंटेंसेस को मज़ीद उनमें ऐड करते हुए हम उनके मफहम में हम इजाफा कर सकते हैं उनको थोड़ा चेंज कर सकते हैं और लैंग्वेज की सलाहियत को हम क्रिएटिविटी कहते हैं और अब इस तरह भी हम इसके इस मतलब जैसे मैंने अभी बात की द द द हाउस बिल्ट दैट बिल्ट द जैक और दिस इज द डॉग दैट वरेड द कैट हु किल्ड रैट दैट आर द माल्ट ले इन द हाउस दैट जैक बिल्ट तो मतलब ये है कि आप वर्ड्स को मज़ीद उसमें इजाफा करते हुए या उसमें नए अंदाज़ से उनमें कुछ ना कुछ एडिशन करते हुए आप उसमें में और अगर हम इसको देखें तो हम ये जो सोलो टक्सानोमी है उसके तहत हम इनको इसको भी ले सकते हैं कि जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं यूनी स्ट्रक्चर है फिर आगे मल्टी स्ट्रक्चर है फिर इस तरह करके हम उनको सेंटेंसेस को इस तरह उनके मीनिंग्स को नया अंदाज़ दे सकते हैं और नई चीज़ नया उससे मफहम क्रिएट कर सकते हैं तो बेसिकली ह्यूमन लैंग्वेज में ये एक बहुत बड़ा करैक्ट्रिसिक्स है जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं और जिसकी मदद से हम लैंग्वेज में ख़ूबसूरती पैदा कर सकते हैं लैंग्वेज में ये एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं लैंग्वेज में मतलब ये है कि उसमें इजाफा कर सकते हैं और उसको डिटेल से बयान कर सकते हैं फिर नो अपर बाउंड ऑन साइज ऑफ सेंटेंसेस द ओल्ड मैन केम फिर इसका इस तरह भी कह सकते हैं द ओल्ड ओल्ड मैन केम वंस देर वॉज द लिटल बॉय हु टोल्ड द हिज़ फादर के द ओल्ड 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 स्टोरी मतलब ये कहने का कि इसमें अपर बाउंड के लाज अगर हम वर्ड्स की रेपिटिशन भी आ जाती है तो उसमें जो इसमें हम अप चूँकि अपर बाउंड में सेंटेंसेस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस लिहाज से ये और क्रिएटिविटी के इस करेक्टरसिक्स की वजह से हम लैंग्वेज को इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं